ओके तो फिर हम चालू करते हैं कि भाई मास्टरबेशन कितना किया तो ज्यादा है, मास्टरबेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए मास्टरबेशन मतलब हस्त मैथुन आप करते हैं तो बहुत ही सेफ तरीका है अपने सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज करने का। हस्त मैथुन आपके स्ट्रेस को कम करता है, तनाव को कम करता है, काम वासना को कम करता है, आपका तनाव कम कर देगा। हस्त मैथुन करने के बाद में आपको अच्छा लगता है। हस्त मैथुन खुद को आनंद देने के लिए है, वो खुद को आनंद देता है हस्त मैथुन, और खुद से खुद संभोग करते हैं, संभोग का आनंद हस्त मैथुन देता है, सेल्फ प्लेजर मिलता है, आपको अच्छा लगता है। रात को आप करते हैं तो आपको नींद अच्छी आती है, तो हस्त मैथुन से कुछ भी नुकसान होता नहीं है। हस्त मैथुन कितना करना चाहिए, हस्त मैथुन कितना भी कर सकते हैं, आपकी भूख जितनी है उतना कर सकते हैं, मगर हस्त मैथुन से कोई नुकसान भी है तो वो तरीका कौन सा है हस्त मैथुन करने का, उसके ऊपर वो नुकसान होते कि नहीं होते वो डिपेंड करता है, उसके ऊपर असर करता है। हस्त मैथुन से आपको कोई भी आप मतलब हाथ साफ करके आप मुट्ठी मारते हैं, हाथ साफ करके साबुन से हाथ धो के आप मुट्ठी मारते हैं तो आपको कोई भी तरह की गुप्त रोग की बीमारी नहीं होगी, सेल्फ प्लेजर मिलेगा, आप कभी भी कर सकते हैं। और हस्त मैथुन करने से कैंसर की बीमारी कम हो सकती है, कैंसर। हस्त मैथुन मतलब हाथ से किया हुआ मैथुन है, तो जब हस्त मैथुन हाथ से किया हुआ मैथुन है और हस्त मैथुन से जब वीर्य जाता है बाहर निकलता है तो वो भी वेस्ट होता है। औरत के साथ में भी आप संभोग करते हैं, वीर्य बाहर निकलता है वो भी वेस्ट होता है, सपने में जाता है वीर्य वो भी वेस्ट होता है। वीर्य जो है वो अंदर संभालने की चीज नहीं है, अंदर स्टोर करने की चीज नहीं है, वीर्य बाहर निकलना चाहिए। आप नहीं निकालोगे हाथ से तो वो सपने में निकल जाएगा, कपड़े आपके खराब होंगे, शादी के बाद में आप संभोग करते हैं और संभोग में वीर्य चले जाते हैं। तो लोग बोलते नहीं नहीं वो संभोग में तो वीर्य जाता है, वो तो पेट में जाता है ना औरत के और उसका बच्चा होता है। तो फिर मैं पूछता हूँ कि भाई बच्चा होता है बराबर है, हस्त मैथुन करने से वीर्य अंदर जाता है, बच्चा होता है बराबर है, मगर आप मतलब हस्त मैथुन करने से नहीं, संभोग करने से जाता है, संभोग करने से वीर्य अंदर जाता है, औरत के पेट में जाता है और वहां से बच्चा पैदा होता है, तो नंबर एक हस्त मैथुन से वीर्य, सॉरी मैं फिर से हस्त मैथुन बोल रहा हूँ, संभोग से वीर्य जो जा रहा है वो पेट में नहीं जा रहा है, वो औरत के गर्भाशय में जा रहा है, गर्भ थैली में जा रहा है, वो योनि में जा रहा है नंबर एक। और जैसी औरत खड़े हो जाती है वैसा वो बाहर निकल जाता है। एक आधा बूंद अंदर रह गया तो रह गया, जिसमें लाखों शुक्राणु रहते हैं, एक बूंद में भी लाखों शुक्राणु रहते हैं। तो संभोग में क्या हुआ, जो वीर्य है गया हुआ वीर्य जो है वो बाहर जा रहा है नाले में, हस्त मैथुन से गया हुआ वीर्य जो है वो नाले में जा रहा है, सपने में जो वीर्य जा रहा है वो भी नाले में जा रहा है, वीर्य नाले में जाता है, वो स्टोर करने की कोई भी व्यवस्था अपने दिमाग में है नहीं, अपने बॉडी में नहीं है, कहीं भी नहीं। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं आप यदि वीर्य को स्टोर करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी ज्यादा सालों तक जीता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ब्रह्मचारी आदमी ज्यादा सालों तक जीता है ऐसा कोई पुरावा साइंस में नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि भाई ब्रह्मचारी आदमी ज्यादा जीता है, ऐसा कुछ भी नहीं। इन शॉर्ट क्या है कि हस्त मैथुन नॉर्मल है, हस्त मैथुन कर सकते हैं, मगर क्या है हस्त मैथुन यदि आप बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर लेते, फटाफट कर लेते, कोई आएगा कोई देखेगा घर में अकेले, हस्त मैथुन फटाफट कर लिया, वीर्य निकाल लिया, तो क्या होता है कि हस्त मैथुन जल्दी करके जल्दी वीर्य निकल जाने की आदत लग जाती है और शादी के बाद में वो प्रॉब्लम हो सकता है शीघ्र पतन का या प्री मैचर इजैकुलेशन, नंबर एक। नंबर दो, हस्त मैथुन यदि आप बार बार करते हैं तो एक उसकी भी आदत लग जाए, मतलब हस्त मैथुन करना ही पड़ता है ऐसा हो जाता है, मतलब उसका कंपल्शन हो जाता है और वो बुरा है। और कंपल्शन इन द सेंस कि हस्त मैथुन आप कर रहे हो, इच्छा भी नहीं है मजा भी नहीं आता तभी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो इच्छा के खिलाफ हस्त मैथुन नहीं करना चाहिए, नॉर्मल हस्त मैथुन करना है। और हस्त मैथुन करने का नॉर्मल तरीका यह है कि ये आपका लिंग है, ये आपका लिंग है और ये हाथ है,
और आप हाथ से ऐसा 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 कर रहे हैं, हल्के 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 आप उसको जैसा मसाज करते वैसा कर रहे हैं, तो ये इसमें फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, और घर्षण करने के बाद में आपको बहुत मजा आता है, और मजा आने के बाद में वीर्य बाहर निकल जाता है। तो ये सिंपल है हस्तमैथुन, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फिर सवाल आता है आज के टॉपिक का, फिर हस्तमैथुन क्या खराब कब है? खराब तब है कि जब औरत घर में है, उसकी इच्छा है सेक्स करने की, और कुछ महाभाग ऐसे होते हैं कि औरत से संभोग नहीं करते हैं, पत्नी से संभोग नहीं करते हैं, हाथ से करते हैं, तो वो प्रॉब्लम है, औरत चिंतित हो जाएगी, वो झगड़ा करेगी। नंबर दो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि औरत को हस्तमैथुन करने लगाते हैं, सेक्स करते ही नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि भाई अच्छा फिर कब नॉर्मल है कि हाँ उसको प्रेगनेंसी है, पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी के संभोग नहीं करने देते हैं, आखिरी के 3 महीने संभोग नहीं करना है, बीच के 3 महीने कर सकते हैं। तो जब प्रेगनेंसी है, फुल टर्म है, 9वां महीना चालू है, 8वां महीना चालू है, तो उस समय सेक्स नहीं करना है। अब जब सेक्स नहीं करना है तो आप हस्तमैथुन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, शादी के पहले कर सकते हैं, औरत घर में नहीं है तो भी कर सकते हैं, औरत को बीमारी है तो भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट क्या है कि हस्तमैथुन ये नॉर्मल है। फिर ये प्रॉब्लमेटिक कब है कि जब जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो प्रॉब्लमेटिक है। नंबर एक, जब कंपल्शन है, इच्छा नहीं है तभी करना ही पड़ता है, वो एक प्रॉब्लमेटिक है। और बताता हूं कहाँ कहाँ, और कम से कम 4 तरीके हैं कि जहां वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नंबर एक, एक है ट्रॉमेटिक मास्टुबेशन सिंड्रोम। ट्रॉमेटिक मास्टुबेशन सिंड्रोम इसका मतलब क्या होता है? ये डॉक्टर लॉरेंस सैंग इन्होंने 1998 में यह टर्म विकसित की, और इसका मतलब होता है कि आप पेट पर सोते हो, लिंग बेड पर है, कोई ज्यादा कड़क कोई ऐसा रहा उसके ऊपर लिंग है, और कोई कड़क बेड है उसके ऊपर आप लिंग को घसीट रहे हैं, बेड पर घसीट रहे, मतलब कोई भी हार्ड वस्तु है टेबल पर घसीट रहे, और घसीट के मतलब गद्दी पर है, पिलो पर है जो रफ है, और रब कर रहे हैं, या कपड़े पहने उसके ऊपर से आप हिला रहे हैं और घिस रहे हैं, कोई भी हार्ड मतलब कड़क वस्तु है उसके ऊपर घिस रहे हैं और हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो उससे ट्रॉमा हो सकता है, जख्म हो सकती है लिंग को, और वो प्रॉब्लम है। एक स्टडी की गई, 2572 पुरुष जो थे जिनको प्री मैच इजैकुलेशन का प्रॉब्लम था, शीघ्र पतन का प्रॉब्लम था, और उनको पूछा गया, अलग 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 सवाल किए गए, और अलग 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 सवालों में कुछ सवाल ऐसे भी थे कि क्या आप मास्टुबेशन करते थे और कैसे करते थे हस्तमैथुन। तो उन्होंने 37% लोगों ने ये जवाब दिया कि हम मास्टुबेशन जो करते थे वो घिस के घसीट के करते थे। इन शॉर्ट क्या है, घसीट के करना ठीक नहीं है, और घसीट के करने से लिंग को जख्म हो सकती है, तो बहुत ही हाथ मुलायम रहता है अपना हाथ, तो मुलायम हाथ से कर सकते हैं आप, इसके ऊपर कोई लूब लगा सकते हैं, लुब्रिकेटिंग क्रीम लगा सकते हैं हाथ को, या ऑयल लगा सकते हैं ताकि हाथ का भी घर्षण ज्यादा होगा नहीं और आप हस्तमैथुन कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रॉमेटिक मास्टुबेशन सिंड्रोम। और 2-3 तरीके हैं कि जिसमें हस्तमैथुन जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। नंबर दो, जिसको बोलते हैं डेथ ग्रिप सिंड्रोम। अब ये क्या होता है डेथ ग्रिप सिंड्रोम? इसका मतलब ये होता है कि आप इतने जोर से पकड़ते हो लिंग को, और इतने जोर से पकड़ के बहुत जोर का प्रेशर देते हैं, और जोर का प्रेशर देके फिर हस्तमैथुन करते बहुत दबा के। अभी इससे क्या होता है, अब इससे ये होता है कि लिंग को एक आदत सी लग जाती है कि बहुत जोर से प्रेशर दिया, बहुत जोर से दबाया और फिर घर्षण किया, उसके से उसको मजे आती नहीं, तो फिर जब ऐसी मजा नहीं आती है तो उसकी आदत बन जाती है कि भाई नहीं जोर से पकड़ना ही पड़ेगा, फिर जोर से पकड़ेंगे और हस्तमैथुन करेंगे तो और आदत पक्की हो जाएगी, मतलब उसमें वो विशेष साइकिल में चले जाएंगे, जोर से पकड़ने के बिना मजा नहीं आ रहा है और
जोर से पकड़ते हैं करके बार बार जोर से पकड़ना पड़ता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जोर से पकड़ने से जो प्रेशर आता है वो प्रेशर के सिवाय लिंग को मजा ही नहीं आता, आपको मजा ही नहीं आता, इतना प्रेशर देना ही पड़ता है। तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये कि जब पत्नी के साथ में आप करोगे, जब पत्नी के साथ में आप करोगे तो इतना प्रेशर तो योनि में आएगा नहीं, इतना तो पकड़ के योनि रखेंगे नहीं लिंग को, और आदमी को मजा आएगा नहीं, क्योंकि इतने पकड़े बिना उसको जमते ही नहीं। इससे क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर देके पकड़ के फिर घिस रहे हैं और हस्त मैथुन कर रहे हैं तो पेनिस का सेंसेशन जो है वो कम कम हो जाता है, पेनिस का सेंसेशन कम हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रेशर देके पकड़ के नहीं करना है, ठीक है ना? यदि ऐसा पकड़ के करते हैं तो आपको फिर वही प्रॉब्लम होगा, आपको डिलेड इजैकुलेशन हो, डिलेड इजैकुलेशन। इसका मतलब यह है कि पेनिस को सेंसेशन ही नहीं होगा जब आप सेक्स करेंगे तब, क्योंकि उसको आदत है कि पकड़ के जोर से दबाए बिना मजा नहीं आ रहा है। और फिर यदि आपको मजा ही नहीं आ रहा है तो एक्साइटमेंट नहीं आएंगी, एक्साइटमेंट नहीं आएंगी तो वीर्य बाहर निकलेगा नहीं, डिलेड इजैकुलेशन हो जाएगा, है ना? तो ये है डेथ ग्रिप सिंड्रोम, ठीक है ना? इसको ये भी बोलते हैं कि इडियोसेंट्रेटिक मास्टुबेशन स्टाइल और प्रैक्टिस, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जब पकड़ के रखते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रेशर भी देते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से भी करेंगे, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। और फिर ये डिलेड इजैकुलेशन होता है, डिलेड इजैकुलेशन मतलब वीर्य गिरता ही नहीं, और वीर्य गिरा नहीं तो मजा नहीं आएगी, तो ये प्रॉब्लम। अब वीर्य गिरता नहीं है, वीर्य गिर नहीं रहा है ना, पतन हो नहीं रहा है, उसके अनेक कारण हो सकते हैं, उसमें का एक कारण ये। फिर वीर्य नहीं गिरने के कारण कौन से होते हैं? वीर्य नहीं गिरने के कारण ये होते हैं कि भाई आपके बदन का, बॉडी का टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम है, सेक्स हार्मोन की लेवल कम है, फिर आप मानसिक बीमारियों की गोलियां खा रहे हैं, आपको पेनिस को इंजरी हो चुकी है, आप शराब पी रहे हैं, समझ शराब शराबी है, या आप तंबाकू खा रहे हैं, या आप साइकिल चला रहे हैं, है ना? तो ये जो है इससे ऐसा प्रॉब्लम होते रहता है, ठीक है ना? अभी इसका इलाज क्या है? अभी इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि आपको यदि ऐसी आदत पड़ी हुई है कि पक्का पकड़ने जैसे प्रेशर दिए बिना घिसने बिना जमता ही नहीं है, तो इसका प्रॉब्लम, इसका इलाज ये प्रॉब्लम का कि कुछ दिन तक हस्त मैथुन बंद करो, करो ही मत, करो ही मत। और दूसरा फिर लुब्रिकेटिंग क्रीम लगाओ, ऑयल लगाओ, और हल्के हल्के से फिर कुछ दिन के बाद में फिर से चालू करो, और हाथ ही वापरने का है, बाकी कोई वापरने का नहीं है। सेंसेट फोकस टेक्निक का इस्तेमाल आप कर सकते हो ताकि आपको इजैकुलेशन जल्दी हो जाएगा, मतलब जब चाहे तब हो जाएगा। अभी अग्रेसिव मास्टुबेशन टेक्निक्स है कुछ लोगों में, अग्रेसिवली मतलब बहुत जोर जोर से करेंगे, बहुत जोर से करेंगे, फिर समझो ऐसा है तो उसको मोड़ेंगे, मोड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसा उनको उसमें मजा आता है कि ऐसा प्रेशर दो मोड़ो। देखो अभी ये इतना टाइट है, कड़क है, और आप यदि मोड़ने की उसको कोशिश करेंगे, बार 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 ऐसे मोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर हो जाएगा, पेनाइल फ्रैक्चर नोन है ये, मतलब उसमें कॉर्पस, कॉर्पोरा कैवर्नोजा, कॉर्पस कैवर्नोजम और कॉर्पस कैलोजम, ये जो है अंदर के जो स्नायु है, मतलब ब्लड वेसल्स जो है, जो स्पॉन्जी टिश्यू है, वो रप्चर हो सकते हैं, और वो रप्चर होने के बाद में उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है? एक मिनट, हाँ ठीक है। अग्रेसिव मास्टुबेशन टेक्निक्स, तो उससे पेनाइल फ्रैक्चर हो सकता है, और वो भी करना ठीक नहीं है। फिर नेक्स्ट, हस्तमैथुन तब करना नहीं है जब पूरा पेनिस टाइट नहीं। क्या होता है कि जिनको ऐसी आदत है कि थोड़ा भी इरेक्शन हो गया, इसका मतलब क्या है कि इतना एक्साइटमेंट नहीं है, थोड़ा सा इरेक्शन है
तो बहुत ज्यादा घिसेंगे और वीर्यपात कर देंगे, उनको अच्छा लगता है, तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब बहुत ही इरेक्ट कड़क है तभी बहुत एक्साइटमेंट है तभी मास्टरबेशन करना है, नहीं तो नहीं है। दूसरा यह है कि और एक कारण है मास्टरबेशन का जिसमें प्रॉब्लम हो सकता है, म्यूचुअल मास्टरबेशन। मतलब क्या होता है कि कभी कभी आप अपने पार्टनर को बोलते हैं कि मास्टरबेट करो, अब पार्टनर तो उसको तो सेंसेशन नहीं हो रहा, उसको तो फीलिंग कुछ नहीं हो रहा है, तो वो आपकी औरत है या और कोई पार्टनर है वो ज्यादा जोर जोर से घिस रही है, और म्यूचुअल आप उसका कर रहे हैं मास्टरबेशन, वो आपका कर रहे हैं मास्टरबेशन, और उसमें आपके लिंग को तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे अनेक अलग अलग कारण है जिसमें मास्टरबेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बारे में और कुछ मैं सवाल लूंगा, उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ कौन सा इलाज होते रहता है ना। तो ये जो है क्या है का? नहीं ना, नहीं। तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ आते हैं उसमें का एक मास्टरबेशन है, मगर इसके अलावा हमारे पास में जो लोग आते हैं वो काफी सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, और उसमें यह है नपुंसकत्व के लिए लोग आते हैं, मतलब ये काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। धात सिंड्रोम, मतलब धातु रोग हो रहा है इसलिए लोग आते हैं, फिर नाइट फॉल हो रहा है करके लोग आते हैं, है ना, नाइट फॉल हो रहा है, लिंग टेढ़ा है, दुबला है, पतला है, छोटा है, सुहाग रात के प्रॉब्लम्स, गर्लफ्रेंड के साथ में बातचीत करते करते चिपचिपा पानी आना, सपनों जैसे कमजोरी के लिए क्या करें। आप कौन से प्रॉब्लम के लिए यहाँ अभी वर्कशॉप में आए हैं तो आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं और आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है। यूट्यूब में कुछ आया हुआ है तो देखो इसका क्या प्रॉब्लम है, किसका क्या प्रॉब्लम है ना, आप डाल सकते हैं। मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम बताता हूँ जिसके लिए आप आ सकते हैं, जैसे हस्तमैथुन से लिंग टेढ़ा हो गया, दुबला हो गया, पतला हो गया, फिर किसको सेकंड टाइम करना है, फोर प्ले मालूम नहीं है, है ना, ऐसे अलग 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 प्रॉब्लम है, या फिर नपुंसकत्व है, लिंग टाइट ही नहीं हो रहा है ना, लिंग टाइट नहीं हो रहा है, लैंगिक कमजोरी है, या फिर आपको प्री मैचर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन का प्रॉब्लम है, जल्दी गिर जाता है, या फिर हस्तमैथुन की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, है ना, तो ये सब प्रॉब्लम्स है। इसके लिए फिर हमने क्या किया है, यदि आपको ये चाहिए, आपको कौन सा प्रॉब्लम है, ये देखो मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ, उसमें से आप चूज कर सकते हैं नंबर, वो नंबर आप डाल दो तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है। एक मिनट, मैं आपको लिस्ट निकाल के बताता हूँ, देखो ये लिस्ट है, इसमें आप नंबर डाल सकते हैं कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है। जल्दी गिरने का प्रॉब्लम है, ओके, नंबर डाल सकते हैं आप, नंबर, कौन से प्रॉब्लम के लिए आप दवाई लेना चाहोगे, कौन से प्रॉब्लम के लिए आप दवाई लेना चाहोगे, दो नंबर, ओके, जल्दी गिरता है, दो नंबर के लिए। दो नंबर वाले बहुत है, शीघ्र पतन, स्टेमिना नहीं है, टिकता नहीं है, और बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? YouTube पे क्या लोग बोल रहे हैं, नंबर डाल रहे हैं YouTube पे, हाँ देखो बताओ, YouTube पे मैं देख रहा हूँ, YouTube पे भी जो लोग है वो नंबर डाल सकते हैं, चैट अलाउड है ना यहाँ, यस, बाकी लोग कौन सा प्रॉब्लम है भाई आपको, बाकी लोगों को नहीं डालना है, बाकी लोग डालो, आपको प्रॉब्लम क्या है, कौन सा प्रॉब्लम है कि जिसके लिए आप ये दवाई लेना चाहोगे या हमारे काउंसलिंग के क्लास में आएंगे। हम क्या करते हैं कि हमारा जो क्लास है काउंसलिंग का, तो वो क्लास लेते हैं, उसके साथ साथ देखो ये जो दवाई है ना, ये दवाई हम बेचते हैं, ये दवाई अलग अलग चार पांच प्रकार की होती है, चार या पांच प्रकार की गोलियां हैं, जरूरत के अनुसार इंजेक्शन है, मलम है,
मलम है, इंजेक्शन है, ऑयल है, जैसी जरूरत है वैसा ये मरम ऑयल दवाइयाँ। मगर आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जानना जरूरी है। जैसा किसको होमोसेक्सुअल का प्रॉब्लम, बोलता मेरे को नहीं चाहिए होमोसेक्सुअल, मेरे को समलिंगी आसक्ति को बंद करना है या अस्तमेथुन बंद करना है जो भी है, या कमजोरी आई हुई है नहीं चाहिए, तो उसके साथ में हमको बात करनी। तो आपको क्या करना है कि ये जो गोलियां हैं, ये जो गोलियां मैं आपको भेजूंगा, मगर कौन सी गोली भेजना इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप हमारे डॉक्टर के साथ में बात करो, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपसे बात करेंगे, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपसे बात करेंगे, आपसे बात करके फिर मेरे से बात करेंगे और आपको दवाइयां यहाँ से भेज देंगे। ये दवाइयां हैं, ये दवाइयां आपको पानी के साथ में लेना है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो सोने के 2 घंटा पहले लेना है और तेल या मरहम लगा के मालिश करना है। शादी हुई है तो सेक्स करने के 2 घंटा पहले आपको दवाई लेनी है। शादी नहीं हुई है तो सेक्स करने सोने के 2 घंटा पहले, और शादी हुई है तो सेक्स करने के 2 घंटा पहले। शादी नहीं हुई है तो आपने ऑयल या मलम जो आपको दिया हुआ है उससे मालिश करना है और वीर्य गिरने देना नहीं है। शादी हुई है तो सेक्स के 2 घंटा पहले आपने लेना है और 10 मिनट पहले आपको जो मलम दिया जाएगा वो मलम लेना है, और बाद में बहुत खेलना है और खेलने के बाद में फिर सेक्स करना है, और उसमें भी स्टॉप स्टार्ट स्क्वीज टेक्निक है। स्टार्ट स्टॉप स्क्वीज टेक्निक में आप काम करोगे तो 101% आपको फायदा होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि दवाई यदि आप लेते हैं तो दवाई के साथ साथ हम आपको काउंसिलिंग की क्लास भी देंगे, काउंसिलिंग जो फ्री में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि काउंसिलिंग से डेफिनेटली आपको फायदा हो जाए। तो कितने लोग चाहोगे कि आपको गोली मलम इंजेक्शन या जो भी कुछ है वो आपकी चाहत है, तो आप डाल सकते हैं कि मी 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 आप डाल सकते हैं। वैसे कितने लोगों को चाहिए, कितने लोग इसको खरीदना चाहेंगे, तो मैं आपको बेचूंगा नहीं अभी, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि आपका प्रॉब्लम क्या है। हम क्या करेंगे, आपको मैं दूंगा हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ में बोलने का मौका, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ में बोलने का मौका मैं आपको दूंगा। आपने हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ में बातचीत करना है, बातचीत करके फिर बाद में आपको हम दवाई भेजेंगे उसके शेयर में, और दवाई भेजने के बाद में भी आपको हम हमारे काउंसिलिंग सेशन में फ्री में लाएंगे, ठीक है? तो एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ में भी आपको बातचीत करना है। अच्छा, ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई इससे साइड इफेक्ट होते हैं क्या, दवाई से साइड इफेक्ट नहीं होता है, मामूली कुछ हो गए तो हो गए, मगर हमको दवाई रोज लेना नहीं है, हफ्ते में आपको सिर्फ 1 बार या 2 बार दवाई लेना है, 1 या 2 बार लेना है दवाई, बाकी दिन आपको हो जाएगा, क्योंकि दवाई का इफेक्ट बहुत दिन चलता है। तो आप फिक्स कर लो कि सोमवार और गुरुवार को दवाई लेनी है, सोमवार और गुरुवार ऐसे आपको दवाई लेनी है, ये पक्का कर लो और आपने काम करने का है, ठीक है? इसमें कुछ सवाल होंगे तो आप सवाल पूछ सकते हैं। और आपको ये कैसा खरीदना है फिर दवाई, दवाई खरीदने के लिए आपको पहले हमारे डॉक्टर से बात करनी होगी, और बात करने के लिए देखो, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में से ये हम आपको 6 सेशन भी देंगे, 6 सेशंस, ये दवाइयां हैं, गोलियां हैं, मलम है, और ये बहुत महंगा कोर्स जो है, जो पहले हम 28,995 में बेचते थे, ये आपको सिर्फ 14,999 में मिल जाता था। फिर कोरोना आ गया, कोविड में हमने लोगों को बहुत सस्ते में देना चालू किया, 9,999। हमने हमारी काउंसलिंग की फी जो है वो पूरी की पूरी निकाल दिया, और लोगों को फिर हमने 2,999 रुपये देना चालू किया, सिर्फ 2,999। मगर आपको वो भी अभी देना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पहले हमारे डॉक्टर से बात करना है, और एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेशन चार्जेस जो हमारे है वो है 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज। जैसे आप भरेंगे 1,000 तो हमारे डॉक्टर आपसे बात करेंगे। मगर घबराइए नहीं, मैं आपको 1,000 रुपये भी लूंगा नहीं, यहाँ भी आपको मैं कंसेशन देने वाला हूँ। कंसेशन है कि यदि आप अभी इस वक्त पेमेंट करते हैं तो आपको 1,000 रुपये के बदले सिर्फ 150 रुपये देने होंगे। वो भी अभी आप देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत फ्रॉड लोग फ्रॉड कर रहे हैं,
मेरे नाम से लोग दवाइयां बेचते हैं, फलते ही नंबर से आपको कॉल आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। इसलिए अभी मैं आपको जो नंबर दे रहा हूँ, इंस्टा मोजो की लिंक है, उसके ऊपर ही आपने पेमेंट करना है ताकि आप फ्रॉड से बच सकें, क्योंकि बहुत ही बोगस और फ्रॉड लोग ये धंधे में उतरे हैं और मेरा नाम वापर के वो कर रहे हैं।